corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, education, caste, conflict, art, gender, development, corruption. मैं राकेश बड़वानी मध्य प्रदेश से अभी आपको ले चल रहा हूँ जहाँ पे नर्मदा घाटी के लोग इंदौर की ओर रवाना हुए हैं और भी 20 किलोमीटर पैदल ये जत्ता जा रहा है एनसीए कार्यालय इंदौर की ओर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा परियोजना बन रही है उससे सरकार ने आज तक लोगों को सही ढंग से जमीन के बदले जमीन नहीं दे पाई है और ये लाखों लोगों यहाँ इस बांध से डूब प्रभावित हो रहे हैं और सरकार बांध की ऊंचाई बढ़ा रही है। ये 17 मीटर का गेट लगेंगे इसमें पूरे हम पूरा गांव हम डूब में आएंगे। इसलिए आपका गांव का आपका पुनर्वास हो चुका है क्या? हमारा गांव का पुनर्वास बना दिया सरकार ने कागज पे लेकिन कोई पुनर्वास नहीं। आज भी हमारी बस्ती बरसों पुरानी रह रही है 300 साल से जो उसी गांव में हम रह रहे हैं। नर्मदा घाटी के लोग इस गैर कानूनी अन्यायपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का विरोध करते हैं, अपनी जीविका और जीने के अधिकार का आग्रह रखते। आक्रोशित आदिवासी किसान मजदूर मछुआरे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से उसकी विस्थापितों के अधिकार सुरक्षा की भूमिका अदा करने का आग्रह रखते हैं। कम्युनिटी करस्पॉन्डेंट मध्य प्रदेश बड़वानी इंडिया अनहर्ड के लिए राकेश।